नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ 85 और आपके साथ मैं हूं अमित। हमने पहले भी बोला था कि दिनारा विधानसभा का चुनावी सर्वे हम करेंगे और दिनारा विधानसभा में जितने भी 19 प्रत्याशी मैदान में हैं, चुनावी जंग में हैं, हम सबका राय जानेंगे और सबका मत जानेंगे और सब पार्टियों का मुद्दा जानेंगे कि जनता के प्रति उनका क्या रुख है। और अगर वो जीत के सदन में जाते हैं तो दिनारा की जनता के लिए और दिनारा के लिए क्या कुछ खास करेंगे। आज हमारे साथ हैं शोषित समाज दल के प्रत्याशी, जो दिनारा विधानसभा चुनाव के शोषित समाज दल के उम्मीदवार हैं, राजेंद्र शाह जी हैं। इनसे बात करेंगे और इनका मत जानेंगे। सबसे पहले तो सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं राजेंद्र शाह, विधानसभा के भुआवल घर है हमारा। हमारा शोषित समाज दल से हम चुनाव लड़ रहे हैं दिनारा विधानसभा। और शोषित समाज दल ऐसा दल है जिसके पास में सारी व्यवस्था और विचारधारा पड़ा हुआ है और सबको समानता और एकता कायम करने के लिए, राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए शोषित समाज दल अकेला ऐसा दल है जो सारी चीज की समस्या का एक साथ निदान करना चाहता है। पहला है शिक्षा का उद्देश्य है स्वाभिमान और एकता कायम करना हो। दूसरा है 10वीं तक शिक्षा अनिवार्य और सारी शिक्षा मुफ्त हो। शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए अछूतों और अल्पसंख्यकों के छात्रों और छात्राओं को वजीफा दी जाए। सारी शिक्षा राष्ट्रीयकृत किया जाए। सभी को राष्ट्रीयकृत स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य हो ताकि सभी समान शिक्षा पा सके। सारी शिक्षा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ही सरकारी सेवा दी जाए। जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं को सरकारी सेवा दी जाए, प्राइवेट वाले को न दी जाए। पांचवा है सारी शिक्षा समता परक और सम्मानवादी हो। मानव मानव में समता पैदा करने वाली विचार को प्रोत्साहित करने वाली शिक्षा समाप्त की जाए, यानी पुनर्जन्म भाग्यवाद जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव और चमत्कार ब्राह्मणवादी पंचांग का सारी शिक्षा से बहिष्कार किया जाए। सातवां है नागरिक बने उसके लिए 10वीं तक केवल 5 विषय पढ़ाए जाएँ, यानी राष्ट्रीयता, नागरिकता, भूगोल, मैथमेटिक और वर्तमान वैज्ञानिक उपलब्धियां। 10वीं कक्षा के बाद देश के 2 अंक कर दिए जाएं, एक तकनीकी शिक्षा और दूसरी उच्च शिक्षा, ताकि छात्र एवं छात्राओं रुचि अनुकूल शिक्षा ग्रहण कर सकें और भ्रष्टाचार का एक तरफ से खात्मा होगा। अच्छा सर, यदि आप दिनारा विधानसभा से सदन में जाते हैं, दिनारा की विधानसभा की जनता आपको पसंद करती है और आप सदन में जाते हैं, तो दिनारा की जनता के लिए क्या खास और क्या नया करेंगे जो अब तक न हुआ हो? दिनारा के जनता के लिए किसान मजदूरों की जो है वो समस्या हमारे पास जो है वो मैं बता रहा हूँ। खेती नौकरी या व्यापार एक ही रहेगा एक घर में, और हर हाथ को काम देना चाहते हैं और हर हाथ को खेत को पानी शोषित समाज दल देना चाहता है दिनारा के जनता के लिए। और हमने तो बहुत गांव में घूमा, लोग कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही, लेकिन ऐसा तो हमें नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है जी कि मैं जहाँ गया वो सारी समस्याएं ज्यों का तो निरादर और दरिद्रता बना हुआ है। तो इस दरिद्रता और निरादर को खात्मा करने के लिए शोषित समाज दल कटिबद्ध है। शोषित समाज दल का इतिहास शोषितों, गरीबों, वंचितों और दलितों की लड़ाई लड़ने का है। तो क्या लगता है, दिनारा विधानसभा में 19 लोग मैदान में हैं, शोषित समाज का वोट आपके साथ आ रहा है? शोषित समाज दल को बहुत बढ़िया वोट जा रहा है और आएगा, क्योंकि हमारे पास नियोजन है, हमारे पास साधन है, हम साधन करेंगे। सभी बच्चे को अनिवार्य शिक्षा पढ़ा करके औद्योगिक तकनीकी मशीन छोटा छोटा घर घर में हम लगा करके निरादर और दरिद्रता को एक साथ खात्मा करना शोषित समाज दल चाहता है। बाकी किसी दल ने ऐसा कार्यक्रम नहीं रखा है जो निरादर और दरिद्रता को एक साथ खत्म करें और मानव में प्रेम बढ़े और देश को मजबूत किया जाए। शोषित समाज दल इस पर काम कर रहा है।
अच्छा, आप दिनारा विधानसभा में कितनी कड़ी चुनौती है आपको, किससे लड़ाई है? किराए की लड़ाई हमारे सामने तो नहीं के बराबर है, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो की कोई पार्टियां लड़ाई नहीं लड़ रही है। अब सवाल है चुनौती, चुनौती तो रहता ही है, वो हम चुनौती का सामना कर रहे हैं और हम मजबूती के साथ हम शोषित समाज दल यहाँ दिनारा विधानसभा में लड़ रहा है और लड़ेगा भी। उसके लिए उसके पास कार्यक्रम है, खेती के कारखाने में से उत्पादित चीजों को कीमत में समय अनुपात काम करेगा और खेती के साधनों को कर मुक्त करेगा, किसानों को निशुल्क बिजली आपूर्ति कराएगा शोषित समाज दल, सभी भूमिहीनों की इंसानी बस्ती बसाकर निश्चित रोजगार की गारंटी देकर स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाकर निरादर और दरिद्रता का समूल नाश करेगा, सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर जनसंख्या के अनुपात में निजी और सरकारी संस्थानों में आरक्षण लागू करेगा, 20 अर्श पावर के कारखाने व्यक्तिगत क्षेत्र में और उससे ऊपर के चलने वाले सभी कारखाने को सामाजिकरण करेगा, सीमांत किसानों की बिजली निःशुल्क देगा, पहले की बिजली बिल माफ करेगा, एक व्यक्ति एक रोजगार, खेती नौकरी या व्यापार सिद्धांत को लागू करेगा, जिन चीजों का देश में उत्पादन संभव नहीं है उसी का आयात करेगा, आवश्यकता की पूर्ति करने के बाद ही सामानों का निर्यात करेगा, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी करेगा, मतदान अनिवार्य घोषित करेगा और मतों की गिनती मतदान केंद्रों पर कराएगा, जमीन में काम करने वाले को जमीन का मालिक बनाएगा, आर्थिक आधार पर आरक्षण समाप्त करेगा, 5 एकड़ तक के किसानों की मालगुजारी बिजली बिल समाप्त करेगा, होमगार्ड सेविका सहायिका रसोईया और आशा की सेवा निर्मित करेगा, सचर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट लागू करेगा, समान काम के लिए समान वेतन लागू करेगा, दलित मतदाताओं द्वारा दलित प्रतिनिधियों को चुनाव कराएगा, दलितों का सत्कार दलित पदाधिकारियों से कराएगा, मतदाताओं को 4,000 रुपये मासिक पेंशन देगा, आय की सीमा 1 से 10 करेगा, आदिवासियों को जल और जमीन और जंगल पर अधिकार की गारंटी करेगा, 90% शोषित शोषितों पर से 10% शोषितों को जुल्म समाप्त करेगा। तो ये है राजेंद्र शाह, शोषित समाज दल के दिनारा विधानसभा से प्रत्याशी हैं। हम आपको ऐसे ही और लोगों से मिलाते रहेंगे, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें।